वंस अगेन गाइस, आप सभी मित्रों का फिर स्वागत है आप ही के प्रियोरिटी चैनल नितिन टॉक पर। तो ये वीडियो जो है ना फुल, जो आप लोग देखोगे ना मजा तो आएगा, वीडियो देखने में मजा आता है, आप लोग देखते हो शेयर करते हो, लेकिन वीडियो थोड़ा सा ये अलग है, टॉपिक अलग है। देखो एक टॉपिक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेरे सब्सक्राइबर भी इस टॉपिक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और मैं भी इसके बारे में बातें कर रहा हूँ और मैं इसे कितना जानता हूँ, क्या करता हूँ, सारे बातें आपको बताऊँगा। तो चलिए एक छोटे से स्माइल के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो चलिए आपने लाइक कर लिया होगा, अब चलिए बातें करते हैं मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। बात करूँगा आज बिटकॉइन की। यू नो बिटकॉइन, बिटकॉइन जानते हो ना, मुझे जहाँ तक पता आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बताने आ गया हूँ ना। देखिए बिटकॉइन क्या है, ये सारे टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल कर लोगे पता चल जाएगा, ठीक है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, सबको जानता है, क्रिप्टो करेंसी है जो दिखता नहीं है, आपके वॉलेट में होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, क्या इसमें हम बर्बाद हो सकते हैं या बन सकते हैं, दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भ्रम फैला है, आज बिटकॉइन में 50,000 डाला, 50 रुपये डाला, कल दोगुना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें लगभग आपको बता दूँ 3-4 साल से रीड कर रहा हूँ मैं वीडियो बिटकॉइन के बारे में, मैं रिसर्च या फिर जान रहा हूँ 2015 के आसपास से, जब इसका कीमत 8 लाख हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। बिटकॉइन को 2015 से जान रहा हूँ, जब 8 लाख हुआ करता था, और अभी इसका क्या रेट है यहाँ देखो, लगभग 18 लाख 60 हज़ार इंडियन करेंसी में भी इसका रेट है, यानी कि 10 लाख रुपये बढ़ गया 4 साल में। तो इसमें इतना आपको ना कोई शेयर मार्केट में देगा, ना कोई आपको गोल्ड में मिलने वाला है, ना FD में मिलने वाला है, ना परसेंटेज मिलने वाला है, ना आपके लोकल में सूद मिलने वाला है, स्मॉल टेप्स है, तो ठीक है चलिए छोड़िए बातें, ये ऐसा चीज़ है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें घुस के बर्बाद हुए हैं, बर्बाद मतलब समझ सकते हो, आपने 1 लाख डाला और मिनटों में 20,000 यानी कि 80,000 का फुल शुद्ध जो कहो नुकसान हो गया। तो समझ लो, पहले वीडियो लंबा हो सकती है बट अच्छे से समझना, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसे रीड कर रहा हूँ कंटिन्यू। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, आप लोगों को क्या किया मैं नहीं, मतलब मैं किसी का स्क्रिप्ट किसी भी ऐप का कुछ नहीं करने जाऊँगा, मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, आप कौन सा करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो करता हूँ वो आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, मजा आएगा, इंटरटेनमेंट भी करेंगे बीच में। चलिए, बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी, सभी लोग जानते हो, सतोशी नाकामोतो के द्वारा। ये सच है झूठ है नहीं पता, बट लोगों को ऐसा लगता है सब तो उसी नाकामोतो नाम के लोगों ने किया। तो बिटकॉइन होता है एक क्रिप्टो करेंसी, एक बिटकॉइन मतलब जब एक बिटकॉइन पूरा जो होता है ना 18 लाख 60 हज़ार अभी के रेट से, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस रेट से लेते हो ना, तो एक बिटकॉइन मिलता। अगर इसका छोटा सा टुकड़ा लेना चाहते हो, जैसे 1 रुपये का छोटा सा, 10 पैसा 25 पैसा, उससे भी पैसा, एक अना होता है ना, बिटकॉइन का भी छोटा भाग होता है सतोशी। सतोशी यानी कि आप लोग अगर एक बिटकॉइन 18 लाख 60 हज़ार का नहीं ले सकते हो, आप लोग चाहोगे यहाँ पर 1,000 का लेना, तो छोटा सा हिस्सा उसका कुछ सतोशी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ बिटकॉइन का छोटा सा हिस्सा, मैंने बिटकॉइन का दो टुकड़ा पार्ट बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें ट्रेडिंग कैसे होता है, रेट कैसे बढ़ता है और रेट कैसे घटता है। ट्रेडिंग को बाद में बात करनी है, पहले रेट बढ़ता कैसे है। देखो आप लोगों को पता है आजकल काला बाजारी समझते हो, काला बाजारी, मैं अपने आप लोगों को बुरा लगे जिसे माफ़ करना, बट मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, लोकल लैंग्वेज में। आप लोग जानते हो प्याज का काला बाजारी होता है, आलू का होता है, जैसे कि आप किसी सीजन में सुनते हो कि आलू का रेट 50 रुपये केजी हो गया और किसी टाइम में 6 रुपये केजी, मतलब मार्केट में जिस टाइम ज़्यादा आ रहा है, यानी कि मार्केट में ज़्यादा आलू आ गया तो रेट कम गया, अर्थात सेल करने वाले ज़्यादा हो गए, रेट कम गया। अगर बिटकॉइन को अगर बहुत सारे लोग एक साथ सेल करने जाते हैं तो बिटकॉइन का रेट धाम से नीचे। और देखिए बिटकॉइन को स्टॉक कर लिया, यानी कि मेरे पास बिटकॉइन 1 रुपये का था, मैंने 1 रुपये का रख लिया पूरा और सेल नहीं कर रहा हूँ, उसी में से कोई आदमी बंदा है उसे खरीदना है उसी टाइम जब मैंने होल्ड करके रखा है, तो बिटकॉइन का रेट यहाँ पर बढ़ा रहेगा। बट अब देखिए मेरे पास 1 रुपये का बिटकॉइन था, मैंने इसे बेच दिया, जब मार्केट में 1 रुपये का, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 1 लाख का बिटकॉइन आया तो ऑटोमेटिक ऊपर का जो बिटकॉइन होगा उसका रेट थोड़ा सा तो कमेगा ही नहीं, चूँकि ये चैन है सेल परचेज, सेल परचेज मतलब जब ज़्यादा बिकेगा ज़्यादा सेल होगा तो रेट गिरेगा। अब जब रेट ज़्यादा बढ़ेगा मतलब ज़्यादा लोग खरीदार होंगे, खरीदार बढ़ेंगे रेट बढ़ेगा। अब एक टाइम चार बिटकॉइन का कीमत 8 लाख था तो कम लोग जानते थे, सेलिंग कम थी, अब सेलिंग ज़्यादा है, इसका जो है ना बिटकॉइन का
स्टॉक लिमिटेड स्टॉक है, कितना जो भी इसका रेट अभी मतलब टोटल क्वांटिटी बिटकॉइन की है वो लिमिटेड है, बट यहां पर जो है ट्रेडिंग करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं तो रेट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो ट्रेड कैसे करना होता है। बिटकॉइन का ये ग्राफ है, देखो बिटकॉइन का रेट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप लोग वेट करना है नीचे आने का, नीचे जितना नीचे आ सकता है आपके लक पर है। अगर नीचे आते वक्त आपने पकड़ लिया वहां पर आप खरीद लेते हो, यहां पर मान के मैं छोटा एग्जांपल दूंगा, छोटे मेरे सब्सक्राइबर कम अर्निंग वाले हैं, तो जैसे कि कम से कम बिटकॉइन कितने रुपए का खरीदा जा सकता है आपको पता है? नहीं पता है ना, 18,60,000 का पॉसिबल ही नहीं है, मेरे हाथ से बाहर आ चुका है, बिटकॉइन वहां जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप यहां पर 100 रुपए का ही बिटकॉइन खरीद सकते हो, 100 रुपीज का बिटकॉइन खरीद सकते हो, मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस कैसे खरीदना है। ठीक है, तो 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदे, 100 रुपए का बिटकॉइन जब वहां 18,60,000 में 1% की बढ़ोतरी होती है, 1% बिटकॉइन का रेट बढ़ता है तो वहां पर बढ़ेगा जो रेट उसका 1% आपका यहां बढ़ेगा, यानी आपका 100 रुपए हो गए 101 रुपए। छोटा अमाउंट में भी अर्न कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट में भी अर्न कर सकते हैं, छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ छोटी अर्निंग, बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 रुपये की अर्निंग, बट आपके पास जितना अमाउंट है, मैं कभी भी इन्वेस्ट करने का राय नहीं देता हूँ फालतू का, बट मैं यहाँ राय दे दूंगा इसका, अगर आपके पास कुछ मान के चलते हैं कुछ ऐसे पैसे पड़े हैं जो यूजलेस हैं, यूजलेस पैसे नहीं होते, यूजलेस मतलब आपके पास है वो अगर इन कहीं खर्च हो जाते हैं, जस्ट लाइक यू आर गोइंग विद योर गर्लफ्रेंड एंड यू विल पे समवेयर टू एंजॉय योरसेल्फ, देन आपको वहाँ पर कुछ फील नहीं होगा, चलो आपने इन्वेस्ट कर दिया बुरा नहीं लगा। तो उसी प्रकार से अगर ये पैसा को यहाँ इन्वेस्ट कर देते हो और पैसा जो वहाँ इन्वेस्ट होकर बर्बाद होने जाए, यहाँ इन्वेस्ट कर दो तो आपको बुरा नहीं लगने वाला है, हो सकता है एक पैसा डूब जाए, वहाँ भी डूब रहा था तो आपको बुरा नहीं लगता, ये पैसा को यहाँ डाल देते हैं ना, देख लेते हैं क्या होता है, 1,000 रुपये का अगर 1,100 रुपये मिल जाता है तो क्या परेशानी है। ठीक है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन इससे भी एक अच्छा तरीका बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करने का, आप लोग कर पाओगे। वीडियो लंबा होगा, भाषण दे रहा हूँ, अच्छे से सुनना, मजे आ रहे होंगे। तो यहाँ पढ़ोगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना। अब देखिए बिटकॉइन में फ्लक्चुएशन होता है, अभी कुछ देर पहले मैं आज दिन की बात करूँ 17,60,000 पर था रेट, अभी रेट है 18,60,000। इस बीच में जो भी अपना पैसा लगाया ऊपर गया वो तो कमा लेगा, बट ऊपर जब 18,60,000 पर है और पैसा उन्होंने लगा दिया और रेट नीचे आ गया तो आपका लॉस यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 18,60,000 पर रेट है बिटकॉइन की, यहाँ पर मैं लगाता हूँ 1,000 रुपये का और रेट आ जाता 17,60,000 पर फिर से, तो आपका पूरे 10 रुपये का नुकसान हो गया, शुद्ध 10 रुपये का नुकसान। छोटा अमाउंट पर समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना, बड़ा अमाउंट पर हर एक बार ऐसा ही लॉस होगा, ऐसा ही बेनिफिट होगा। अगर रेट यहाँ पर 17,60,000 पर लगाया होता 1,000 रुपये और 18,60,000 पर चला गया तो रेट में आपका 10 रुपये का अंतर आ गया। ठीक है, 10 रुपये आपके बढ़ गए, कितना टाइम लगा? 1 आवर का, 1 आवर का। आप 1 आवर में बर्बाद हो सकते हो, 1 आवर में बन सकते हो, दोनों हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो कंसियस माइंड, अगर आपके पास टाइम नहीं, आप अगर मान के चलो कि सब्जी बेचते हो, ठीक है सब्जी बेचते हो, तो आप इसमें पैसा दिन में कभी मत लगाना सब्जी बेचने के टाइम में। हो सकता है कि आप 1 kg आलू तौलने के लिए आलू तराजू पर चढ़ाओगे 30 रुपये लग, एक मतलब यहाँ पर 10,000 रुपये लगाए, आलू चढ़ाए, आलू उतारने में जो आपका टाइम वहाँ गया, बिटकॉइन का रेट बढ़ जाएगा और आप वहाँ पर जीत सकते हो, और बिटकॉइन का रेट घट गया तो आप वहाँ पर लॉस में चले जाओगे। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। तो बिटकॉइन का रेट ऐसे बढ़ता है, ऐसे घटता है। ठीक है, मैंने कंसिस्टेंटली आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया अच्छे से। अब बात करें इन्वेस्ट कैसे करना, तो देखो मैं क्या यूज करता हूँ, मैं दो ऐप यूज करता हूँ अभी, क्वाइन स्विच कुबेर और दूसरा जेपे। जेपे का बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली मुझे पर्सनली नहीं लगता, आपको लगता है तो आप यूज कर लेना, दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्वाइन स्विच कुबेर के साथ मेरे साथ यह फायदा है कि मैं कभी उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे अभी तक। आप उसमें क्या करो, किसी भी दोस्त को शेयर करते हो ना शेयर, तो वहाँ पर आपको 50 रुपये का बोनस मिलता है अगर वो KYC कर लेता है तो। तो आप भी ऐसा करना कि कॉइन स्विच ऐप को इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद किसी दोस्त को रेफर करना, 50 रुपीज़ मिलेगा ज्वाइनिंग के साथ, 50 रुपीज़ शेयर के रेफर के साथ। आप जैसे मैं अभी नीचे लिंक दिया वहाँ से ज्वाइन करते हो तो 50 रुपये मिल जाएगा आपको, और किसी दोस्त को शेयर करते हो तो 50 उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो 100 रुपये हो गए, एक 48 घंटा में 10 लोगों को रेफर कर सकते हो, तो 10 लोगों को रेफर करके आप वहाँ 500 रुपये कमा ली, और उसी 500 रुपये से ट्रेड करके सीखना। ठीक है, 1 रुपये लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे तरफ से फुल टिप से समझना इस चीज़ को, बुरा लगा देना पैसा अप डाउन जब रेट होगा ध्यान देना सीखना। अब आप प्रो हो गए, सीख लिए, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 500 रुपये मान के चलते आपने लगाया, 500 रुपये हार गए, लॉस हो गए, ये देखिए हार गए मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, आप लॉस करके बिटकॉइन में 500 रुपये। ठीक है, लेकिन एक चीज मत भूलना, वो 500 रुपये के जिस टाइम आपने ट्रेडिंग किया उस टाइम क्या आपको मिला, आपको नॉलेज मिला बिटकॉइन में ट्रेड करने का, उसका यूज कर सकते हो आप शेयर मार्केट में,
गोल्ड में कहीं भी जाओगे मतलब कोई भी कभी लॉस दे के नहीं जाता, कुछ भी लॉस नहीं होगा। वो जो सीख जाओगे वहां पर, सीखने के बाद दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो लेकिन चलो मैं उतना नहीं करता हूं, आप यहां पर एक ऐसे नॉलेज लेके जा रहे हो ना, ऐसा नॉलेज कि कहीं सीख के से इन्वेस्ट करोगे, किसी को बताने के लिए एक छोटा सा ऑफिस खोल लोगे ना भाई, छोटा सा ऑफिस। मैं ट्रेडिंग करना जानता हूं, अगर आप छोटा छोटा करके तो आप ट्रेड करवा के कमा लोगे, ट्रेड करवा के कमा लोगे, ठीक है। तो ये रहा है बात ऐसा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कॉइन स्विच ऐप के बारे में और कुछ जानकारी, अधिक जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा। हालांकि बिटकॉइन से रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी बनाता नहीं था, बट मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने पॉजिटिव निगेटिव दोनों वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा दोनों में भी इस कवर में कर दूं। आप लॉस भी कर सकते हो, बढ़िया भी कर सकते हो, दोनों चीज़ को देख लेना। अभी बिटकॉइन का रेट 18,60,000 है, हो सकता है कि जब मैं वीडियो कंप्लीट कर एडिट करके यूट्यूब पर डालूं तो बिटकॉइन का रेट 16,00,000 पर आ जाए, हो सकता है कि इसका रेट 20,00,000 पर चल जाए। तो निर्भर करता है मार्केट में चैन इसका सप्लाई जो है, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना, सप्लाई तो बहुत ही कम हो चुका है, डिमांड ज़्यादा है। और अब लोग वहाँ पर सेल अचानक से करने लगेंगे तो रेट तो गिरना ही गिरना है, तो आप लोग ध्यान देना, हो सकता है रेट गिर जाए, हो सकता है रेट बढ़ जाए, तो आप लोग एक्टिव रहना। अगर कॉन्शियस माइंड लेके आप लोग कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हो तो करना, अगर आप समय नहीं दे सकते हो ट्रेडिंग में तो मत देना, हो सकता है नुकसान हो जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सारी बातें को समझ लिए होगे। अगर कहीं भी कोई प्रश्न रह गया कुछ भी, आप जो जितना मैं जानता हूँ, इतना बड़ा प्रो तो हूँ नहीं, मतलब न्यू हूँ, जितना भी जानता हूँ उतना आप लोग भी शेयर कर दिया हूँ। तो अब डिटेल्स में जानना, बिटकॉइन के बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं, इसलिए नहीं चाहता हूँ किसे न्यूज़ में देखे होगा आप लोग, या फिर टीवी में, गूगल कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। और जो ट्रेडिंग की बात रही, जो रहा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जरूर से, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, पावर दिन सुबह, भारत माता की जय।